हादी गोल्ड एन इस्लामिक रिकॉर्ड लेबल। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा हैं, सरकार को बहुत प्यार था इनसे, बहुत प्यार था। वो जब शहीद हो गए, जब कब्र में दफनाने लगे ना, तो दफनाने के वक्त कफन के लिए कपड़ा नहीं था। आपका चेहरा डामते कदम नंगे हो जाता है, कदम डामते चेहरा नंगा हो जाता। सरकार ने बिलाखिर फरमाया, मेरे साहबा मेरे चचा जान के चेहरे को डाम दो, कदमों पर घास डाल दो। एक वो वक्त था। और ये लोग हमसे दलाइल मांगते हैं, वो कहते हैं दिखाओ देगे बांटी ये किया। मैं कहता हूं मेरे सरकार के सहाबा ने जैसा मिलाद मनाया है वैसा तो कोई दुनिया में मना ही नहीं सकता। सहाबा इकराम की वैल्यू क्या है? मैं कहता हूं सहाबा इकराम अली मरिदवान के जो घोड़ों के कदमों से उड़ने वाली खाक थी, हम तो उसके बराबर भी नहीं हो सकते। तुम उनके बारे में दलाइल मांगते ये करते हो। बरहाल आप तमाम हजरात की बारगाह में हाजिर होने का यही मकसद था कि नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र गुलामों के लिए कस्तूरी की मानिंद है। जैसे जैसे करते चले जाएंगे वो खुशबू बढ़ती ही चली जाएगी। आए नबी अलैहिस्सलाम की ज़ाते अक़दस पर एतराज़ात करने वाले, उनके लिए आला हज़रत ने यही लिखा है। क्या फरमाते हैं? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगूं से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगूं उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में, अगर मान गया फिर न मानेंगे। आज मानना, जब फरिश्ते नजर आएंगे, मरने से पहले नजर आते हैं, उस वक्त मानेगा सरकार की कही हुई बात को, या क़यामत के दिन कहेगा नहीं मौला मुझे एक मौका दे दे तेरे नबी अलैहिस्सलाम के गीत गाऊंगा। नहीं, ये दुनिया है, इसमें मान ले, कल मानना काम नहीं आएगा। लिहाजा आपके सामने मैंने जितना भी जो अहादीस मुबारक पेश की और जो आया मुबारक पढ़ी, और इसमें जो भी मैंने बयान किया, कोई पूछना चाहता है, कोई दलील मांगना चाहता है, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने मोहब्बत और शौक शौक के साथ बैठकर बयान सुना और मुझे भी मज़ा आया कि फैसलाबाद से आने का हक अदा हो गया। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके इल्म में उम्र में घरों के मसाइल अल्लाह ताला दूर फरमा दे। अल्लाह ताला उम्र में बरकतें दे। ये ज़रूर कोशिश करें एक वक्त घर में ना एक हाफिज़े कुरान आलिम दीन बना लें, हाफिज़े कुरान आलिम दीन बना। आज यकीनन उवैस बेटा इसने ये कोशिश की है और अपने भाई को अर्ज़ किया कि भैया इस खुशी के मौके पर अगर अपने सरकार के जिक्र खैर की खुशी मनाई जाए तो सरकार इस खुशी की बरकत से तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी के मसाइल हल फरमा देगा। तो यकीनन दीन सीख रहे हैं, अपने घर वालों को जो अर्ज करते हैं, और घर वालों को हक है कि इस बेटे की इज्जत करें। मैं आपके सामने कह रहा हूं इंशाल्लाह जब आने वाले वक्तों में एक आपको बड़े मंसब पर नजर आएगा, आप लोग भी इनके साथ प्यार करें और कोशिश करें अपने बच्चों में से जो ज्यादा जहीन और लायक है। अमूमन ये होता है जेड़ा पढ़ता नहीं स्कूल उन्हें चौके मदरसे पा देता है, लो भी इधर नहीं तो उधर, फिर कारी साहब को कुट खा के पाड़ी लाएगा। नहीं, ऐसा ना करें। अल्लाह ने जिसको जहानत अता की है, दीन समझना कोई आसान नहीं है, उसी को दीन के लिए पेश करें। अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल को आसान फरमाएगा और अल्लाह ताला इसकी बरकतों से तुम्हारी आखिरत को भी बेहतर फरमाएगा। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।